और सर कैसी है आपकी तबीयत? डरने पड़े सही है एकदम चिल। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं लौट के आ रहा हूँ बैडमिंटन खेल के अरुण के यहाँ से। भाई आज तो काफ़ी मज़ा आ गया, लेकिन लास्ट में ना खेलते टाइम अरुण का पैर मुड़ गया तो उसकी चोट लग गई, तो भाई वहीं पे ख़त्म करना पड़ा। तो अभी तो फिलहाल तो मैं घर लौट के वापस आ रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई है, तो अब से जब तक वो ठीक नहीं हो रहा तब तक हमारा बैडमिंटन नहीं होगा। तो फिलहाल तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, उसके बाद चाय वाय पी के देखता हूँ क्या करना है। भाई आजकल ना अच्छी धूप निकल रही है, ठंडी नहीं हो रही 2-3 दिन से, तो ये सही है क्योंकि मुझे आगरा भी जाना है, तो उसके लिए भी ठीक रहेगा, ठंडी नहीं होगी। चल गया चाय वाय पीने का, मुझे तो बड़ी तेज नींद आ रही है क्योंकि कल रात में थोड़ा लेट सोया था और सुबह पर जल्दी उठ गया, तो सोच रहा हूँ थोड़ी देर सो जाता हूँ उसके बाद उठ के देखता हूँ क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है कि नहीं करनी है वो तो अलग बात रही, लेकिन पहले मैं सो लेता हूँ उसके बाद देखूंगा क्या करना है। तो फिलहाल मैं गए सो के उठ गया हूँ, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया, बस ऐसे सो गया था। मम्मी नीचे से आवाज लगाती रही, मैं दो ठानी बहुत तेज नींद आ रही थी, पता नहीं कैसे लगता था, कितने जन्मों से नहीं सोया हूँ मैं। अभी तो ऐसे बेड में पड़ा हुआ हूँ, लैपटॉप सामने रखा हुआ, थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ। तो अब तो 11 बज गए हैं और मुझे 12:30 बजे कहीं जाना अभी है मेरे पास 1.5 घंटे, तो अभी नीचे चलता हूँ, पहले कुछ खा पी लेता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने, हालत वैसे ख़राब हो गई, उसके बाद फिर नहाना धोना भी है। फिलहाल आज मेरी चाय और मेरे चने तो आ गए, तो मैं नाश्ता कर लेता हूँ पहले, तो उसके बाद नहाऊंगा। फिलहाल आज मैंने नाश्ता पानी तो अपना कर लिया था, पानी गर्म होने रख दिया नहाने के लिए, मैं बाहर आया हूँ, बाइक निकाल ली थी मैंने बाहर, तो अभी पहले नहा धो के मैं जाऊँगा अपना काम करने के लिए, एक तो काम होने के बाद फिर मैं अभी कल को उठाऊँगा, फिर मैं थोड़ी बैग धुलवा लूँ, काफ़ी गंदी हो गई है। और बाहर का नज़ारा देखना जरा, देखो मेरे घर के सामने कितने सारे बंदरों की टोली लगी रखी है भाई, दो इधर और ये देखो ये छोटा सा भागता जा रहा, दो इधर बैठे हैं और ये देखो, अच्छा ऊपर भी है कोई, भाई इतने सारे बंदर, ये कुत्ता कुछ भी नहीं कर रहा बेचारा, भोग भी नहीं रहा है, वरना इसको सब खा जाएंगे इतने सारे जो हैं भाई। डर भी नहीं है कोई, बिल्कुल मेरे सामने से निकल रहे हैं, ये तो देखो कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। तो फाइनली गाइस मैं तो हो गया हूँ नहा धो के रेडी, कपड़े वपड़े भी पहन लिए, जूते भी पहन लिए, बैग तो बाहर निकाली दी थी, उसको थोड़ा पोछना है, पोछना क्या है यार, बस ऐसे ही ले जाऊँगा, थोड़ा सा काम है बाहर वो कर लूँगा, उसके बाद तो सीधा उसको धुलवाना ही है, अपने फ्रेंड के साथ जाऊँगा अंकल के साथ। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने अरुण को फ़ोन किया था, भाई उसकी तो हालत सही नहीं है, जो सुबह उसके पैर में मोच लग गई थी ना और उसमें थोड़ी सी सूजन हो रही है, तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई एक्सरे वगैरह करवा लो, तो मुझे देखता हूँ भाई मेरा काम हम हो जाए उसके बाद जाऊँगा उसको देखने के लिए, कहीं ज़्यादा ज़्यादा हालत ना ख़राब हो गई हो। भाई सुबह सुबह तो उठ भी नहीं पा रहा था, काफ़ी चोट लग गई थी ना उसके, तो पहले मैं जल्दी से अपना काम कर ले रहा हूँ, निपटा ले रहा हूँ सारा, उसके बाद जाऊँगा फिर मैं उसके पास। तो फिलहाल यार मैं तो नीचे आ गया हूँ, अपना खाना ले आया कढ़ी और चावल, तो अभी मैं इसको खा पी ले रहा हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा 15 मिनट बाद लगभग। तो फिलहाल यार मैंने तो खाना पीना खा लिया, मम्मी बाहर गई हैं तो मैं ताला लगा देता हूँ, चाबी उनको दे दूंगा रास्ते में, फिर मैं जा रहा हूँ जरा बाहर अपने काम से। ताला भी लग गया, चाबी रख लेता हूँ और चलता हूँ मैं फिर। तो फिलहाल तो गैस मैं लौट के घर पे वापस आ गया हूँ, मेरा कोई भी काम नहीं बना, फ्रेंड को फ़ोन किया था तो उसका तो भाई कहीं उसको जाना है अपने मम्मी को लेके, कुछ काम है उसको बाहर, तो वो तो भाई फ्री नहीं था अभी कल बाद, तो मैं तो दोबारा अपना काम करके घर पर वापस आ गया था। भाई फिलहाल तो मैं नीचे चलता हूँ, पता मम्मी सुबह हमने अरुण को फोन किया था, हमारे संग खेल रहा था ना वो, तो थोड़ी सी उसको चोट लग गई थी, तो उसके ना पैर में सूजन आ गई, तो हमने की एक्सरे वगैरह करवा लो, फ्रैक्चर वैक्चर कुछ हमें लग रहा है, क्योंकि जब वैसे तो हम लोग खेलते रहते थे तब तो कोई उसके कूदता फांदा रहता था, कोई चोट नहीं लगती थी, लेकिन आज वो एकदम उठा ही नहीं और तभी बहुत लग रही थी, एकदम छुआ भी नहीं जा रहा था उस पर, और दोपहर में जब फोन किया था सुबह के टाइम निकलने से पहले, तो उसके ना सूजन बढ़ गई थी, तो हमें लग रहा है सूजन वूजन तभी बढ़ती है, या फिर मसल्स फ्रैक्चर होगा या कुछ वैसा होएगा, पता नहीं, एक्सरे वगैरह तो नहीं करवाया, कह रहा था तुम फ्री हो, तो हमने कहा अभी तो हमें तो भाई अभी तो सो के उठे, हमें तो काम है और थोड़ा सा वो भी करवाना था, अब ऐसे बाइक से थोड़ी ना जा पाएंगे, वो गाड़ी से जाएगा, अरे गाड़ी पापा लेके जाएंगे ना, हमें तो चलानी नहीं आती है, पापे के साथ जाएगा वो, हमें तो बाइक चलानी आती है, बाइक से जाना ठीक नहीं है, पैर में चोट लगी ना उसके, चोट वोट तो काफी लग गई फालतू में भाई उसके। मैं आवाज़ सुन के बाहर आया, मुझे लगा भेलपुरी वाला हो, क्योंकि भेलपुरी वाला भी ऐसे गाने बजाता है, लेकिन ये अंकल थे ये बलून बेच रहे थे, तो मेरे तो बलून तो किसी भी काम के नहीं, मैंने सोचा भेलपुरी वाला होता तो वो बनवाता तो खाता, कुछ नहीं फिलहाल तो अंदर ही चल रहा। फिलहाल वैसे मैं घर पे बोर हो रहा था, तो मैंने अभी फ्रेंड को फ़ोन किया, तो अभी वो अवेलेबल है, मतलब सो रहा था घर पे आके काम तो हो गया था,
चल रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा चक्कर मार के आता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। उसके बाद भाई बाइक आज नहीं धुलवा रहा हूँ मैं, क्योंकि कल ही वो अपनी बुलेट और स्कूटी धुलवाएगा तो तभी तुम धुलवा लेंगे वहाँ पे। अब शाम भी हो गई है तो ठंडी भी लग जाएगी मुझे, ये चला के आनी पड़ेगी ठंडी ठंडी, और रात में खड़ी होगी तो कल ही धुलवाएंगे तीनों गाड़ियाँ इकट्ठी। तभी तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ बाहर, बाहर ही खड़ी है अभी, ये मैं गेट बंद कर दे रहा हूँ। अरे मम्मी से तो कहा ही नहीं है मैंने यार, अभी हम आ रहे बाहर जा रहे हैं, ठीक है थोड़ी देर में अभी आ जाएंगे कर रहे हैं। तो मम्मी से ही बोल दिया, गेट बंद कर दे रहा हूँ। हो गए बंद, तो अभी मैं चलता हूँ। फिलहाल गाइस मैं आ गया अपने फ्रेंड के घर पे, अभी कल घर पे, अभी उसका आवाज़ लगाई है अंदर से निकल के आ रहा है, फिर जाऊँगा थोड़ा सा बाहर में इसको लेने के बाद। तो आ गए हैं भैया इतना सज के। फिलहाल गाइस हम लोग आए हैं अभी अरुण के यहाँ पे, तो कहीं अपना क्योंकि चोट लग गई ना पैर में, तो अभी दिखाने के लिए जा रहे डॉक्टर के पास, तो थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। और सर कैसी है आपकी तबीयत? डरने पड़े सही है एकदम चिल। ओके मुझे दिखाओ भाई का। को समझ में आ रहा है इसमें तुमको? इसीलिए तो पैसे गए हैं। चटकी हुई देखो बस। ना चटकी टूटी नहीं है। गाइस हमने इसको दिखा लिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कहीं। इसका तो सही आया है, कहीं टूटी फटी नहीं निकली है, फ्रैक्चर भी नहीं है, सब ठीक ही है। सही है, अरे घुमाए तो ले यार। नहीं 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 बस बस, वैसे भी आज गिरने गिरने से बची है जी। गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, अभी यहाँ पे थोड़ी देर के गोलगप्पे खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग के घर चले जाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम भी हो गया, तो घूम भी लिए जितना भी घूमना था। तो फिलहाल तो गाइस मैं आ गया था घर पे, अरुण को भी छोड़ दिया था, उसको जरा मेडिकल स्टोर पे वो भी दिखाना था अपना एक्सरे, जो कि है कि नहीं, वैसे वो था ही, तो उसने वहाँ से दवाई ली, और तो मैंने भी अपनी गोहरी की दवाई लेनी थी, दवाई के लेनी थी, मेरी निकल रही है हल्की हल्की, तो मुझे लग रही थी, तो मुझे सिर्फ एक टेबलेट चाहिए थी आधी 2-4-5 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा, और मेडिकल स्टोर वाले ने 30 रुपये का जो बांध के दे दिया भाई, इतनी भी नहीं निकल रही थी कि मुझे इतनी चाहिए, वो 4-5 दवाइयाँ बस एक चाहिए थी, थक लेते हैं भाई। खैर अभी तो आ गए हम, अभी तो थोड़ी देर में भी चेंज वेंज कर लेता हूँ, मैंने खाना नहीं खाया था सुबह से, मैंने बस बाहर ही इस बाहर के खा रहा हूँ जो भी खा रहा हूँ सुबह बस सुबह, और मैंने चने बनाए थे वो खाए थे, चावल खाए थे बस, और कुछ भी नहीं खाया भाई तब से। फिलहाल तो कैसे आ गया मैं अपने रूम में, थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ, मम्मी खाना बना रही है तो बड़ी तेज़ भूख लगी हुई है, तो पहले खाना पीना खा लेता हूँ मैं, उसके बाद दवाई खाऊंगा ये, क्योंकि आँखों में मुझे लग रहा है हल्की हल्की मेरी गोहरी जैसी निकल रही है, और आज कीड़ा भी चला गया इसी आँख में, मैं जल्दी से चेंज करके मैं नीचे चलता हूँ। तो फिलहाल गाइस मैं आ गया हूँ नीचे, मम्मी ने मेरा खाना लगा दिया मस्त, तो अभी मैं खाना पीना खा लेता हूँ पेट भर के, क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, बाहर काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, उसके बाद खा पी के मैं चलता हूँ अपने रूम में। तो फिलहाल तो गाइस आ गया मैं खाना पीना खा के अपने रूम में, और पानी की बोतल दूध का गिलास ले आया हूँ, तो पानी पापा ने ना पानी और दूध दोनों ज़्यादा गर्म कर दिया, थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर मैं दवाई खाऊंगा। तो फिलहाल तो थोड़ी देर में फ़ोन चलाता हूँ, ये फ़ोन भी थोड़ा सा डाउन हो गया, चार्ज नहीं, तो इसको चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ तब तक। तो फिलहाल गाइस मैं अभी दवाइयाँ निकाल रहा हूँ, लेकिन दूध भाई मेरा इतना गर्म दूध कर दिया कि कल तक ना ठंडा हो पाएगा, कब दूध ठंडा होगा तब जाके मैं दवाइयाँ खाऊँगा, तो फिर वेट ही कर रहा हूँ मैं। फिलहाल तो गाइस मैंने दवाई वाई खा ली है, और लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 9:30 बजे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे को नींद आ रही है, तो कल तक तो मेरी शायद आँख ठीक हो जानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी इसमें दर्द हो रही थी,
तो नींद आ रही, तो पहले सो जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, फोन ऑन भी नहीं ज्यादा चलाऊंगा। तो फिलहाल तो टाइम हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर वीडियो पे नए आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।